नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार कोई वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम रोज़ इंसिडेंट होने वाले वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। आज सब कुछ इंसिडेंट हुआ है कि जैसा कि अहमदाबाद से लखनऊ जा रही थी एक टैक्सी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, और हो जाता है इंसिडेंट बहुत ही खतरनाक। होता क्या है कि कार जो ड्राइव कर रहे थे टैक्सी नंबर पे कार थी, अब पता नहीं ओला उबर जो भी हुआ, लेकिन आगे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आप एक क्लिप देख लीजिए, फिर हम आगे उसके बात करते हैं। एक छोटा सा क्लिप प्ले करता हूँ, आपको देख लीजिए, फिर आगे हम बातें करते हैं। You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. Feelings get involved, I'm terrified. Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I are you the one when I try look, I wish I'd find. Oh, दोस्तों ये इंसिडेंट आपने क्लिप देख ली होगी। क्लिप में साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ है, ये हुआ है, जो कोहरा पड़ता है बहुत तेज, उसके कारण इलाहाबाद से लखनऊ जा रही ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर में होता क्या है, जो सामने ऑन द वे से आ रहे हो एक व्हीकल ने इसको टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के कारण होता क्या है कि आप देख सकते हो, फोटोज़ में देखा हुआ, वीडियोज़ में देखा हुआ, इधर फोटो भी लगी हुई है, साइड का जो मतलब इंजन का दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और कार के ऊपर पता है कि कार फ्लिपअप होके किसी पिलर से जाके टकरा गया, जिसके कारण पता लगा कि मारुति सुजुकी के एयरबैग्स खुल गए। लेकिन दुख की बात यह है कि स्विफ्ट डिज़ायर ये सिर्फ सिंगल एयरबैग में उपलब्ध थी, क्योंकि जो मारुति सुजुकी टैक्सी नंबर आती है ये बेस मॉडल आते हैं, तो इस बेस मॉडल में इसी कारण बताया जा रहा है कि जो इनको ड्राइव कर रहे थे उनकी जो मतलब उनको नज़दीकी हॉस्पिटल में भेज दिया गया कोहरे के कारण। तो कोहरे में मैं आपको देखूँ कि हाईवे में अगर आप कोहरे में ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सेफली ड्राइव करो, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग की से ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ रखती है अपने आप पे ड्राइव डिपेंड करना। तो कार डिपेंड चलाते समय काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा इंसिडेंट होने के बाद में आपकी क्या राय है मारुति सुजुकी की सेफ्टी रेटिंग और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाई क्लास रेटिंग और टॉप सेलिंग ब्रांड होने के बाद भी मारुति सुजुकी हमारे को इस प्रकार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करवा रहा है। कहीं जगह पे अच्छी चीज़ें होती है तो कहीं जगह पे कुछ कुछ माइनर पॉइंट भी होते हैं, मारुति हर एक कंपनी के होते हैं, लेकिन आप भी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कभी भी ड्राइव करो तो सेफ्टी ड्राइव करो, अपनों से ज़्यादा आपसे ज़्यादा अपनों का ध्यान रखो। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके पास हो तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी है और मेरा ईमेल है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।